हेलो फ्रेंड्स, आज किस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप लोग भी सोच रहे हैं कि व्यूज क्या चीज़ होती है, फ्रेंड्स आपको नहीं पता कि अगर व्यूज क्या होता है, व्यूज का मतलब क्या होता है। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस पर देखा होगा कि 1K व्यूज लिखा होता है और 1M व्यूज लिखा होता है और 1B व्यूज लिखा होता है। तो 1K व्यूज का मतलब क्या है, 1M व्यूज का मतलब क्या है, 1B का व्यूज का मतलब क्या है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल से। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि व्यूज क्या चीज़ होती है। तो फ्रेंड्स, व्यूज ये होती है कि जो देखता है, ठीक है ना, तो जो देखने वाला होता है उसे बोलते हैं व्यूअर, जो आपका वीडियो देखता है। ओके, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप कहलाए व्यूअर। या फ्रेंड्स, मैं आपका वीडियो देखूंगा यदि आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, तो जब कभी मैं आपका वीडियो देखूंगा तो फिर मैं कहलाऊंगा व्यूअर, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, जो कोई भी वीडियो को देखता है तो वो कहलाता है व्यूअर। एंड फ्रेंड्स, आपका वीडियो कितने लोगों ने देखा, मतलब कि वीडियो के देखने की संख्या को व्यूज कहते हैं। यानी कि आपका वीडियो किसी ने यदि एक बार देखा तो हम बोलेंगे कि इस वीडियो पर 1 व्यूज आया। मतलब फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा वीडियो 3 बार देखा तो मैं कहूंगा कि मेरे वीडियो पर 3 व्यूज आए हैं। अब दोस्तों, मुझे ये पता नहीं कि ये 3 व्यूज एक ही व्यक्ति ने देखे, मतलब कि मेरे वीडियो को एक बार एक ही व्यक्ति ने 3 बार देखा है, या 3 अलग अलग लोगों ने देखा, मुझे इससे मतलब नहीं है। सिर्फ मेरा वीडियो 3 बार चला है, ठीक है ना। या फिर दोस्तों, मेरे वीडियो को 100 लोग देखते हैं तो मेरे वीडियो के अंदर जो एनालिटिक्स होता है उस पर बताता है कि आपकी वीडियो को 100 बार प्ले किया गया, मतलब कि आपकी वीडियो को 100 लोगों ने देखा है। अब दोस्तों, चाहे वो एक बंदा मेरे वीडियो को 100 बार प्ले कर दे या फिर दोस्तों 100 लोग मेरे वीडियो को अलग अलग प्ले करते हैं, लेकिन यदि मेरे वीडियो पर 100 बार क्लिक हुए हैं तो मेरे वीडियो के एनालिटिक्स पर चढ़ जाएगा कि इस वीडियो को 100 बार देखा गया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, व्यूज यही होगा दोस्तों की। अब आपने व्यूज को समझ लिया है कि व्यूज का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि के का मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा कि 1K लिखा रहता है, 10K, 50K, 100K। तो के का मतलब दोस्तों होता है 1000। यदि 100K लिखा हुआ कहीं पर तो उसका मतलब है 100,000, यानी कि 1 लाख। यदि 1K लिखा तो इसका मतलब कि 1000, और यदि 10K लिखा तो इसका मतलब है कि 10,000। और अब आपने देखा होगा दूसरी चीज़ की M लिखा होता है, यानी कि 1M, तो 1M का मतलब होता है कि मिलियन। तो दोस्तों, 1 मिलियन के अंदर आता है आपका 10 लाख, ठीक है ना। तो यदि कोई वीडियो 1 मिलियन चला हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उस वीडियो को 10 लाख लोगों ने देख लिया है। और दोस्तों, अब बारी आती है बी की। तो बी बी शब्द को आपने कि बी लेटर को आपने बहुत कम ही देखा होगा, तो हालांकि देखा होगा लेकिन बहुत कम देखा होगा, क्योंकि दोस्तों बी बार वीडियो बहुत कम चलते हैं किसी के भी। तो जो सॉन्ग वगैरह होते हैं वही चलते हैं बी बार, ठीक है ना। तो यदि कहीं लिखा हुआ 1B, तो बी का मतलब होता है 100 करोड़, यानी कि उस वीडियो को 100 करोड़ बार देखा जा चुका है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आई होप कि जो आपका क्वेश्चन था, जो आपका डाउट था, वो क्लियर हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें।